हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फोट्यूब में। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, आपका एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है आपके मोबाइल फ़ोन से, तो दोस्तों आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आज के इस वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से मैसेज भेज पाइएगा, एसएमएस भेज पाइएगा। दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन में मैसेज नहीं भेज पाते, उनके मोबाइल में 2 से 3 सेटिंग गड़बड़ होता है। आज के इस वीडियो में आपको वही सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो 2 सेटिंग बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले वाला सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, और दूसरा वाला जो मैं आपको बताऊँगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको मोबाइल फ़ोन में दोनों सेटिंग होना चाहिए। जब तक ये दोनों सेटिंग आप नहीं कीजिएगा, तो दोस्तों आपके मोबाइल से कोई भी मैसेज सेंड नहीं होगा। पहला सेटिंग ये है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के यहाँ पर सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद नीचे के साइड में चले जाना है, और यहाँ पे जहाँ पे भी ऐप्स का सेटिंग होगा, ऐप्स लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जिससे आप आ जाते हैं, आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देना है। मैनेज ऐप पे जैसे आप आ जाते हैं, आपको मैसेजिंग और जो है एसएमएस वाला जो एप्लीकेशन होता है, ये वाला सर्च कर लेना है। और यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। मैसेज पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे आने के बाद दोस्तों फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा स्टोरेज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो है सबसे नीचे आपको क्लियर डेटा का जो बटन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लियर केकेस पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप क्लियर डेटा भी कर सकते हैं। पहला सेटिंग आपको ये कर देना है। कई बार क्या होता है, आपका मैसेज बॉक्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा एसएमएस आ जाता है, या फिर जो है फालतू का मैसेज आ जाता है, आपका जंग लग जाता है। तो दोस्तों इस सेटिंग को करने के बाद जो है आप बहुत ही आसानी से मैसेज भेज पाइएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका फिर भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा सेटिंग ये है, आपको अपने मैसेज बॉक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप आ जाते हैं, आपको ऊपर के साइड में जहाँ पे भी सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिले, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको हल्का नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको सिंपली एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं, दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हर कंपनी के मोबाइल में अलग अलग होता है। हमारे पास MI का मोबाइल है, और MI और Redmi के फ़ोन में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, यानी कि SMSC। ये वाला बटन जहाँ पे भी आपको देखने को मिले, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, दोस्तों यहाँ पे एक नंबर होता है, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। ये एक नंबर होता है, SMSC नंबर। दोस्तों ये नंबर आपका मिला लेना है आपको। अगर आपके पास जियो का सिम है, तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का नंबर होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे एयरटेल का सिम होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा नंबर टाइप करना है। ध्यान से देखिएगा, ये नंबर को आपको लिख लेना है, ये नंबर आपका सही होना चाहिए। इस प्रकार से अगर एयरटेल का सिम है, तो ये नंबर आपके पास होना चाहिए सेव। अगर आपके पास जियो का सिम है, तो मैंने आपको जो पहले नंबर दिखाया है, आपको वो नंबर यहाँ पे सेट कर देना है। और अगर आपके पास आइडिया वोडा का सिम है, तो दोस्तों आप अपने कस्टमर केयर से कॉल करके आप अपना नंबर पूछ लीजिएगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर का नंबर। जब तक ये नंबर सही से नहीं डालिए, अगर ये नंबर आपके SMS सेटिंग के अंदर सेव नहीं होगा, तो दोस्तों आपका मैसेज ना ही जाएगा और ना ही कहीं से आएगा। तो ये सेटिंग आपको करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में SMS सर्विस चालू होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कस्टमर केयर आपके नंबर SMS सर्विस बंद रखते हैं, तो भी दोस्तों आपका मैसेज ना ही सेंड होता है, ना ही रिसीव होता है। तो आप अपने कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।